लीजिए कि आपका एग्जाम जो है चाहे 8, 9, 10, 11, 12 कोई भी है, ठीक है, आपको सबको मालूम है, सबको बात बोल दिया गया कि आपका टर्म वन का एग्जाम ना होकर के क्या होगा, टर्म टू का एग्जाम होगा। ये बात जानते हैं आप लोग, ठीक है। तो बाबू आप टर्म टू का, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूजन में कि सर टर्म टू का तो होगा, तो क्या टर्म वन वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टर्म टू वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब यार सुनिए, बहुत लोग ये जानता है कि दोनों होगा, ठीक है, दोनों होगा, इसमें बात सही है, कुछ बहुत सारे परसेंटेज इसका चांस है, 50% ऐसा चांस है कि बात सही दोनों होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग इस ख्याल में ना रहें कि आपके एग्जाम में जो होगा सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर हाल में होगा, क्योंकि जो टर्म वन की जहां तक बात है, टर्म वन आपका नवंबर तक कंप्लीट करके आपको दिसंबर में उसका परीक्षा लेना था, और सरकार इसको सिलेबस स्कूल के माध्यम से स्कूल जो थी से नवंबर तक दिसंबर तक आपका खुला था, और पूरा उस समय आपका सिलेबस कवर हो गया ही वाला नवंबर तक, ठीक है। टर्म वन का आपका सिलेबस कवर कर दिया गया है, स्कूल में भी स्कूल कॉलेज जो भी था वहां पर पढ़ाई का हो गया था, ठीक है। टर्म वन का सिलेबस आपका पूरा का था, कंप्लीट था, उसी का परीक्षा जो का था दिसंबर में होना था, जो कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं होने के कारण आपका परीक्षा नहीं हो पाया, समझ गए। ऐसा नहीं है कि कोविड के चलते नहीं हो पाया, नहीं, मेन इसमें सरकार की ढिलाई है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष के कारण का एग्जाम आपका नहीं हो पाया। तो आपका टर्म वन एग्जाम से, सॉरी टर्म टू वाला जो एग्जाम है उससे कहीं ज्यादा आपका इंपोर्टेंट कौन सी है, टर्म वन है, क्योंकि सरकार के इस बात का प्रूफ है कि मैंने टर्म वन का सिलेबस क्या करवा दिया हूं, कंप्लीट करवा दिया हूं, इसलिए आपका टर्म टू का हो या ना हो, टर्म वन का परीक्षा आपको टर्म टू में सटा के लेगा, लेकिन लेगा जरूर, कह रहे हैं इसे। इसलिए टर्म वन का जितना आप लोग पढ़े हैं, जो भी स्टूडेंट टर्म वन का पढ़ाई किए हैं, उस टर्म वन का आप पढ़ते रहिए, ताकि आपको, क्योंकि आप टर्म वन का इंपोर्टेंट है, टर्म टू का पढ़िए, क्योंकि होगा, क्योंकि आपको परीक्षा 3 महीना का समय ऑनलाइन के माध्यम से आपको बोल दिया कि ऑनलाइन से पढ़ाई कीजिए, 3 महीना का समय आपको दे दिया है, टर्म टू होगा, लेकिन टर्म टू का कुछ परसेंटेज कटौती भी किया जा सकता है, लेकिन टर्म टू का जो आपका 38% सिलेबस था वो आपका कटौती नहीं होगा, ठीक है। इसमें वो हर हाल में आपको परीक्षा लेवे करेगा, क्योंकि सरकार इस चीज का क्या कर चुकी है, उसके पास ये प्रूफ है, क्योंकि हम स्कूल तक दिसंबर तक स्कूल खुला रखे थे, स्कूल में पढ़ाई हुई थी, इसलिए हर हाल में 8 से 12 तक वालों का टर्म वन का एग्जाम हर हाल में होगा, भले टर्म टू वाला के साथ मिला के होगा, लेकिन टर्म वन वाला के सब पढ़ते रहिए जो पढ़े हैं, इसे क्या कर रहे हैं, इसे एक बार दोनों एग्जाम होगा, लेकिन टर्म वन का क्वेश्चन जरूर रहेगा उसमें। इसलिए जो गेस पेपर हम बना के दिए हैं, ये मत समझिए को बेकार गेस पेपर हो गया, पसंद कर रहे हैं इसे, वो हर हाल में आपके एग्जाम में रहेगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। उसको पढ़ते रहिए और टर्म टू की तैयारी करते रहिए, और इसके लिए सब कुछ कान खोल के सुन लीजिए, हम आपको ऑनलाइन भी, मतलब YouTube, हमारे YouTube चैनल पर भी, और आपको सामने क्लास में हफ्ता में एक क्लास, एक अति का हम फिजिक्स का, केमिस्ट्री का या मैथ का जो भी चीज पढ़ते हैं, जो चीज हम पढ़ाते हैं, उसका 10-10, 20-20 को क्वेश्चन बना करके टर्म वन और टर्म टू, 10 को अगर टर्म वन कराएगा तो 10 को टर्म टू का क्वेश्चन बना करके हम आपको लेते रहेंगे। जहां पर टर्म वन का जब लेंगे तो ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, और टर्म टू का जब शामिल करेंगे तो सब्जेक्टिव रहेगा। तो आपसे जब भी हफ्ता में, वीक में एक बार टेस्ट होगा, तो आपको टर्म वन और टर्म टू दोनों मिलाकर टेस्ट होगा, समझ कर रहे हैं इसे। ये ना समझे कि हम शनिवार को जो टेस्ट आपको फिजिक्स का बोले हैं, ये ना समझे कि आपका सिर्फ टेस्ट का होगा, सब्जेक्टिव होगा, सिर्फ टर्म टू का होगा, नहीं, उसमें टर्म वन का भी क्वेश्चन रहेगा, समझ कर रहे हैं इसे, क्योंकि टर्म वन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, बस मैं याद रखिएगा बात है।